दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन की जो आपके YouTube चैनल की ग्रोथ को बढ़ाएगा और आपकी हेल्प करेगा अपने चैनल को ग्रोथ करने में। यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये पांच एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए जिसके कारण आप अपने चैनल को तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जो पहली एप्लीकेशन आती है जिसकी सहायता से आप अपने YouTube चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं वो आती है ओपन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ओपन कैमरा की सहायता से आप अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खास बात ये होती है कि आप अपने कैमरे की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड, आप इसमें रेजोल्यूशन भी इंक्रीज कर सकते हैं, टाइमर भी सेट कर सकते हैं और इसके अंदर आप एक्सपोजर को फिक्स भी कर सकते हैं, इसमें कलर इफेक्ट्स भी होते हैं और इसमें आप वाइट बैलेंस भी अपने स्क्रीन का कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ होती है इस ओपन कैमरा एप्लीकेशन में जिसकी सहायता से आप अपने वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आप एक्सटर्नल माइक भी यूज कर सकते हैं। आप तो ओपन कैमरा सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है, मोबाइल के थ्रू आप अगर रिकॉर्ड करते हैं तो ओपन कैमरा की सहायता से ही करें। मेरे अकॉर्डिंग जो नंबर सेकंड पे एप्लीकेशन आती है वो आती है काइन मास्टर। वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है आपको जो आपकी वीडियो को अच्छे से एडिट कर सके, तो काइन मास्टर मेरे अकॉर्डिंग मोबाइल से एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसमें एक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट भी होता है, आप अपनी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव भी कर सकते हैं। सेकेंड, यदि आपके वाटरमार्क आता है काइन मास्टर पे तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू रिमूव वाटरमार्क या फिर हाउ टू डाउनलोड काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क, इसके अंदर भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें एक अलग से अपडेट आने लगे हैं आज के टाइम में, आप इसमें इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, आप इसमें साउंड के रिकॉर्डिंग जो होता है आपने देखा होगा साउंड इफेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी साउंड को फिल्टर भी कर सकते हैं। ये अलग अलग फीचर्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो काइन मास्टर। जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आज या जो मैंने अभी तक वीडियो रिकॉर्ड किया वो मैंने सभी अभी तक काइन मास्टर से ही किए हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो नंबर थर्ड पे एप्लीकेशन आती है वो आती है ट्यूबबडी। आप ट्यूबबडी की सहायता से ये जान सकते हैं कि आपके एक दिन में आपकी वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं। सेकंड, आप देख सकते हैं कि आप अपनी यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसके टाइटल कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे हैं, कि सही है कि नहीं, थंबनेल वगैरह सब कुछ इस पर चेक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कि आप उसके अंदर कुछ कीवर्ड या कुछ टैग सर्च भी कर सकते हैं। और नंबर फोर, आप उसमें कमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। और नंबर फिफ्थ ऑप्शन जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि आप उसके अंदर अपनी वीडियो के टाइटल में कितने कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन में कितने कीवर्ड्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो नंबर फोर्थ पे एप्लीकेशन आती है जो हर एक यूट्यूबर के फ़ोन में होनी चाहिए वो आती है वाईटी स्टूडियो। वाईटी स्टूडियो का आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप यूट्यूब पे ओपन करते हैं जो एक एनालिटिक्स का ऑप्शन आता है, वो जो स्मॉल एनालिटिक्स का वर्जन आप मोबाइल में वाईटी स्टूडियो में आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप सब कुछ डिटेल अपनी वीडियो के बारे में जान सकते हैं कि आपकी वीडियो कितने परसेंटेज लोग देख सकते हैं, कौन सी उम्र के देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, और इसके अंदर आप ये भी जान सकते हैं कितने परसेंटेज सब्सक्राइबर लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं और कितने परसेंटेज यूनिक लोग आपकी वीडियो पे आए हैं, कितने इंप्रेशंस आपके पर मंथ आए हैं। इसके अंदर आप 7 डे, 28 दिन, 365 दिन, 90 दिन, जो से मंथ का आप देखना चाहते हैं एनालिटिक्स वो अपनी वीडियो का आप देख सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके फोन में ये एप्लीकेशन तो होनी चाहिए, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि आपकी वीडियो में कहां कमी है, कहां पे आपको ज्यादा वर्क करना है और कहां पे आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वीडियोस और बनानी चाहिए। जो फिफ्थ एप्लीकेशन आती है वो आती है थंबनेल के लिए और वो है पिक्सल लैब। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल के लिए पिक्सल लैब सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है यदि आप थंबनेल मोबाइल से बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर आप अपना बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, आप जितने मर्जी चाहे उतनी फोटो का एडिट भी कर सकते हैं। इसके अंदर रेजुलेशंस भी लिखे होते हैं कि आपको थंबनेल के लिए चाहिए, कवर के लिए चाहिए या किस पर्पज़ के लिए चाहिए, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड्स भी दिए होते हैं आपको, या फिर आप अपनी मर्जी का इसमें बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस पर्पज़ से और किस प्रकार से यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट आती है जिसका नाम है remove.bg। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ एक मिनट से कम का समय लगता है, आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली इसमें रिमूव हो जाता है, जस्ट आपको फोटो अपलोड करनी होती है, फिर उसको डाउनलोड करके आप उसको पिक्सल लैब में अपनी थंबनेल के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ आज के टाइम में, जितनी मैंने एप्लीकेशन बताई है पांचों एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ और अपने चैनल को ग्रोथ करते हुए मैं देख रहा हूँ आज के टाइम में। तो आप भी ये पांच एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं या फिर मेरे को नहीं पता हो जिस एप्लीकेशन के बारे में, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, मुझे आपकी सपोर्ट की थोड़ी सी जरूरत है और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।